सिनेमा जगत से एक दुखद खबर आई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने शोक व्यक्त किया, नमाखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद खास संबंध लता मंगेशकर के साथ था। लता जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बहन दिखाई देती थी। आज लता जी के निधन पर पीएम मोदी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूँ। दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की अद्भुत क्षमता थी। लता मंगेशकर के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त करते हुए लिखते हैं, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। उनके परिजनों व असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। ओम ओम शांति। यकीनन लता जी के इस दुनिया से चले जाने का शोक हर किसी को है। हम यही कामना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।